हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी में मिनिमम कितना वोल्ट होना चाहिए मोबाइल फोन ऑन होने के लिए, बैटरी फुल चार्ज होगी तो बैटरी में कितना वोल्टेज करंट होगा, उसके साथ साथ बैटरी में कौन से फॉल्ट आते हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीजें भी हम देखेंगे। और बैटरी में कितने पिन होती है, कौन सी पिन क्या काम करती है, आज के टॉपिक पे हम ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बैटरी कैसे चेक करनी है। बैटरी में, कुछ बैटरी में टोटल चार पिन दिया हुआ होता है और कुछ बैटरी में तीन पिनें होती हैं। इसमें हम देख रहे हैं टोटल चार पिन है, इसमें तीन पिन है। हम देख लेते हैं ये पिन कौन कौन सी होती है। इसमें एक पहला पिन होता है पॉजिटिव, एक लास्ट वाला पिन है नेगेटिव यानी माइनस। पॉजिटिव के बाजू वाले पिन को हम बोलते हैं बी एस आई पिन। इसका फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। और एक पिन होती है, इसे हम बोलते हैं B10, बैटरी टेम्परेचर। जिस मोबाइल में, जिस मोबाइल की बैटरी में तीन पिन होती है उसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और जो बीच का पिन होता है इसे BSI प्लस B10 दोनों बोलते हैं। अभी हम देख लेते हैं, इसमें एक पिन पॉजिटिव है, दूसरा पिन है BSI पिन। इसका फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, यानी ये पिन मोबाइल फोन में बैटरी इंडिकेट करता है कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज है। इसके बाद वाली पिन है B10, बैटरी टेम्परेचर। बैटरी टेम्परेचर ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है चार्जिंग के टाइम पे कि बैटरी ओवर चार्ज ना हो और बैटरी फुगे ना। लास्ट वाला पिन नेगेटिव। तीन पिन वाली बैटरी में एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और BSI पिन, बीच वाला जो पिन है इसमें BSI प्लस B10 दोनों एक ही पिन में बना होता है। अभी कोई भी बैटरी है वो हमारे पास, उस पर ऑलरेडी इंडिकेट किया होता है कि कौन सा पिन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन पिन वाली बैटरी है, इसमें कौन सा पिन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव, ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो बैटरी चेक करने से पहले हम देख लेते हैं मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन को ऑन होने के लिए बैटरी में कितना वोल्टेज रहना चाहिए। मोबाइल फोन ऑन होने के लिए बैटरी में 3.70 वोल्टेज, 3.70 वोल्ट के ऊपर डीसी करंट होना चाहिए, यानी 3.70 वोल्टेज। अगर 3.70 वोल्ट के नीचे हमारी बैटरी चार्ज होगी तो हमारा फोन ऑन नहीं होता है। ज्यादा करके डेड फोन में यही प्रॉब्लम आता है कि हमारी बैटरी ड्रेन हो जाती है और मोबाइल फोन ऑन नहीं हो पाता। इसलिए बैटरी में आप मोबाइल फोन चेक करते टाइम आप जरूर देखें कि बैटरी आपकी कम से कम 3.70 वोल्ट के ऊपर चार्ज होनी चाहिए। बैटरी फुल चार्ज होने के लिए 4.20 वोल्ट होता। बैटरी 4.20 वोल्ट पे बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाती है। तो इससे हमें मालूम पड़ गया है कि मिनिमम मोबाइल फोन ऑन होने के लिए बैटरी में कितना करंट होना चाहिए, 3.70 वोल्ट। बैटरी फुल चार्ज होने के लिए 4.20 वोल्ट करंट होना चाहिए। तो चलिए हम इसे एक बार प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है। मीटर को, हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है, मीटर को आप वोल्ट ओम एम्पियर की सेटिंग पे सेट रेड प्रोब को कनेक्ट करेंगे। रेड प्रोब यानी पॉजिटिव से हम इंडिकेट समझते हैं, दूसरा प्रोब है ब्लैक प्रोब
जिसे नेगेटिव प्रोब बोलते हैं, ये इसे हमें कॉमन यानी ग्राउंड पॉइंट पे कनेक्ट करना है। यहां पे एक रोटर दिया हुआ है, रोटर ऑफ पे है, इसे हमें लाके 20 वोल्ट पे सेट करना है। जब हम इसे 20 वोल्ट पे सेट करेंगे तो डिस्प्ले पे 0.00 वोल्ट दिखाई दे रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं, अभी मैंने देखा, अभी मैंने पहले ही आप सबको बताया है कि बैटरी पे कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव ये इंडिकेट किया होता है। बैटरी पे 3 पिन है, हमें ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट करना है और रेड प्रोब को पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट करना है। अभी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है, जैसे डिस्प्ले पे 4.03 वोल्टेज दिखाई दे रहा है अभी, यानी ये बैटरी हमारी चार्ज है, ये मोबाइल फोन ऑन कर सकती है। अगर बैटरी 3.70 वोल्ट के नीचे होती तो हमारा बैटरी डिस्चार्ज होता। अभी हम दूसरा बैटरी देखते हैं, इसमें टोटल 4 पिन दिया हुआ है। अभी एक प्रोब को हमें पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है, दूसरा नेगेटिव पे, रेड प्रोब पॉजिटिव, ब्लैक प्रोब नेगेटिव पे। अभी डिस्प्ले पे 3.66 वोल्ट दिखाई दे रहा है, यानी ये मोबाइल फोन ऑन नहीं कर सकता। मोबाइल फोन ऑन होने के लिए बैटरी में मिनिमम 3.70 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर बैटरी हमारी 00 वोल्ट इंडिकेट कर रही है, यानी 00 वोल्ट दिखाई दे रही है, उस टाइम पे हमें बैटरी को बूस्ट चार्ज करना है, यानी बैटरी बूस्टर से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। इसे हम झटका चार्जर भी बोलते हैं, यानी हम इसे रुक रुक के 12 वोल्ट पे चार्ज कर सकते हैं।